खबर रायबरेली से है। बचरावा क्षेत्र के अंदर झाड़फूंक व बाबाओं के चक्कर में पड़कर अब तक सर्पदंश के कारण कितने ही लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप द्वारा काटे जाने के बाद पहले लोग झाड़फूंक करने वाले बाबाओं के पास दौड़ते हैं। वहां से निराश होने के बाद जब तक अस्पताल जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बीते दिनों शिवगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय बालिका इन्हीं चक्करों में पड़कर अपनी जान गंवा चुकी। जलालपुर सिहंगो सहित ऐसे कितने ही गाँव है जहाँ लोग अस्पताल उस समय पहुंचे जब जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। ऐसा ही एक नजारा गुरुबख्श खेड़ा मजरे एशिया में देखने को मिला, जहाँ एक महिला के कथन अनुसार उसे किसी विषैले जंतु द्वारा काट लिया गया। उसे शक हुआ कि शायद उसे किसी सांप ने डस लिया है। परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय बबलू सिंह नाम के एक बाबा के पास लेकर पहुंचे। इस दृश्य को देखने के लिए एक पत्रकार भी मौके पर पहुंच गया। बाबा द्वारा महिला की पीठ पर थाली रखकर पत्थरों से मारा जाने लगा। ये देखकर उक्त पत्रकार ने जब उक्त महिला को अस्पताल ले जाने की सलाह दी तो कथित बाबा द्वारा पत्रकार का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया और भरपूर अभद्रता की गई। सवाल ये उठता है कि इस विज्ञान के युग में कब लोग अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे कि ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि उक्त महिला ठीक हुई है या नहीं। जैसा भी हो, इस तरह के अंधविश्वासी बाबाओं पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। नाम की तो ये मोबाइल मत छूना, मोबाइल मत छूना। आप पहले बताइए, आप नाम बताइए अपना। मोबाइल छूने क्या नहीं, लेकिन ये गलत काम है। क्या कर रहे हैं आप ये बताइए हमें। यार डिस्टर्ब ना करो यार, मेरे यहाँ दुकान चल रहा है।